देखो 17 क्वेश्चन देखो बच्चे जरा, 2x² क्या होगा? 2x² का इंटीग्रेशन 2x³/3 माइनस 3 साइन, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस एक्स, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कोस एक्स, 5 √x, 5 × √x, रूट एक्स का इंटीग्रेशन। सारे लोग कैमरा पे ओपन करके बैठे हैं, नहीं सब लोग कैमरा बैठे हैं, क्या हुआ? आप लोग तो बड़े प्यारे प्यारे बच्चे हो, ऐसा थोड़े है कि मतलब मेरे इतने बाल उड़े हुए हैं, कैमरा ऑन करते हुए थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा भाई। मैं तो कैमरा ऑफ करूँ थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा मेरे तो, कि कोई देखेगा क्या गया सारे बाल उड़े। आप लोगों तो बड़े प्यारे से बच्चे हो, आपको कैमरा ऑन करने में क्या दिक्कत है? ऐसे सर मेरा तो ऑन था, मैंने तो बंद नहीं किया था। नहीं वैसे मैं ठीक कह रहा हूँ ना अर्जुन? हाँ नहीं मतलब शायद कार्तिक के बार बार ऑफ कर लेता है। चलो आ जाओ इधर आ जाओ सर, झूठ है सर, ऑन रहता है मेरा। x³/3 माइनस 3 साइन का क्या हो जाएगा माइनस कोस 5x। देखना बच्चों मैंने किया ठीक किया है क्या, तो ये होगा 2/3 x³ माइनस 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 प्लस हो जाएगा 3 cos x, ये हो जाएगा 10/3 इंटू x³/3/2 प्लस में सी। ये आपका 17 क्वेश्चन हो गया। 18 क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, कौन पहुंचा है 18 पे? सर कर लिया है खत्म। खत्म सर, क्या बात है इतने फास्ट हो यार, आप लोगों ने तो कमाल कर दिया आज। इसको ओपन करेंगे तो क्या बन जाएगा, सेकेंट स्क्वायर एक्स, और टेंजेंट एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, सेकेंट एक्स इंटू 10x। आप तो हाथ ही नहीं आ रहे आज, इतना कैसे भाग रहे हो? सेकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x, सेकेंट एक्स इंटू 10x का क्या होता है अर्जुन, क्या होता है? sec x। वेरी गुड, sec x प्लस सी, ये हो गया। 19 बताओ, sec square x अपॉन cosecant square x क्या होगा इसका इंटीग्रेशन? बच्चों इसको साइन कॉस में चेंज कर दो, क्योंकि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का इंटीग्रेशन करना अभी हमने सीखा ही नहीं है, ठीक है? cos square को लिख दो 1 अपॉन साइन स्केयर एक्स, cosecant square को लिख दो, क्या लिख दोगे? सॉरी मैंने कुछ उल्टा कर दिया, sec square को लिखो 1 अपॉन cos square x, cosecant को लिख दो न्यूमरेटर में साइन स्केयर एक्स dx। किस किसने किया 19, तो ये टेंजेंट स्क्वायर एक्स डीएक्स बन जाएगा। किस किसका हो गया 19? यहाँ तक हो गया सर, उसके बाद मेरे क्या करना, और मेरे को पता नहीं था कैसे करना था, तो उस पे रुको, तो इसके बाद तो टेंजेंट स्क्वायर एक्स बना दो। एंड बच्चों इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन में जहां कहीं भी टेंजेंट स्क्वायर आ जाए, इंटीग्रेशन में अगर कभी भी आपके पास टेंजेंट स्क्वायर एक्स आ जाता है तो उसको लिखो सीकेंट स्क्वेयर एक्स माइनस 1, ठीक है? इंटीग्रेशन में आपके पास कभी भी टेंजेंट स्क्वेयर एक्स आए जिसको आपको इंटीग्रेट करना है तो उसको आप लिखोगे सीकेंट स्क्वेयर एक्स माइनस 1। अगर कॉट स्क्वेयर एक्स आता है तो उसको लिखना है कॉसिकेंट स्क्वेयर एक्स माइनस 1, ठीक है? कॉसिकेंट स्क्वेयर एक्स माइनस 1। थर्ड, अगर सीकेंट स्क्वेयर एक्स आता है तो उसको, सॉरी रुक जाओ, कॉस स्क्वेयर एक्स आता है तो इसको लिखना है 1 − 1 + cos 2x / 2। कॉस स्क्वेयर एक्स आए तो क्या लिखना है 1 + cos 2x / 2। अगर साइन स्क्वेयर एक्स आए तो लिखना है 1 − cos 2x / 2, ठीक है? ये करना है। तो अब क्या करेंगे, टेंजेंट स्क्वेयर एक्स तो लिखेंगे हम सीकेंट स्क्वेयर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स, सीकेंट स्क्वेयर एक्स का हो गया 10x इंटीग्रेशन, सीकेंट स्क्वेयर का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x माइनस एक्स प्लस सी, 1 का इंटीग्रेशन x हो गया और प्लस में क्या हो जाएगा c, ठीक है? 20th सम देखो, 2 − 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वेयर एक्स डी एक्स। अब बच्चों 2 − 3 sin x / cos² x dx, तो
टू अपॉन दिस। न्यूमरेटर पर डिनोमिनेटर का डायरेक्ट तो कोई इंटीग्रेशन होता नहीं है, तो इसको सेपरेटली डिवाइड करो। टू अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस थ्री साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। टू अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस थ्री साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो ये हो गया टू इंटू कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन नहीं सॉरी, टू अपॉन कॉस स्क्वायर को आप कॉस स्क्वायर को ऊपर ले गए न्यूमरेटर में, तो सेकेंड स्क्वायर एक्स हो गया। और ये जो साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स है इसको लिख लेंगे कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, तो साइन अपॉन कॉस क्या बन गया टेंजेंट एक्स बन गया इंटू ये हो गया सेक एक्स। सेकेंड स्क्वायर एक्स क्या बन गया टेंजेंट एक्स, सेकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है टेंजेंट एक्स माइनस माइनस थ्री टेंजेंट एक्स इंटू सेकेंड एक्स को क्या लिखेंगे थ्री सेकेंड एक्स, सेकेंड एक्स लिखेंगे प्लस में सी। समझ आया आई होप, लेट्स सी, ठीक है जल्दी से करो बच्चे 21 से आ जाओ। जल्दी से करो 21 पे आ जाओ। तो 21 पे So 21 इजी है कर लोगे आईडी में से। 21 में क्या करोगे वही जो कर रहे हम इंटीग्रेशन। कार्तिकी वही जो कर रहे हैं वही सर डेरिवेटिव इंटीग्रेशन जो हां वही जो कर रहे हैं वही करेंगे है ना अर्जुन कार्तिक सही कह रहे हैं ना वही जो कर रहे हैं वही करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे। 22nd पे आ जाओ बच्चों फटाफट देखो बच्चों और ध्यान से समझो कर लोगे उसको। रूट एक्स को क्या लिखोगे एक्स की पावर हाफ वन अपॉन रूट एक्स को एक्स की पावर माइनस हाफ लिखोगे और इंटीग्रेट कर लोगे उसको, नहीं आए तो बताओगे। 22nd क्वेश्चन को ध्यान से समझो सभी 22nd पे आ जाओ। डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू आपको गिवन है 4x क्यूब माइनस 3 अपॉन एक्स की पावर 4। dy dx of fx आपको क्या गिवन है 4x क्यूब माइनस 3 अपॉन x 4, ठीक है ये दिया हुआ है। बच्चों आप इसको दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो, इधर भी इंटीग्रेट कर दो इधर भी इंटीग्रेट कर दो। एक्चुअली डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं बच्चों, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ये कैंसिल कर देंगे। राइट हैंड साइड में इंटीग्रेशन का साइन लगाया इसलिए dx भी लिखना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो यहाँ आ गया fx, fx इज इंटीग्रेशन ऑफ 4x क्यूब माइनस इसको क्या लिख लोगे 3 इंटू एक्स टू द पावर माइनस 4 ऑल इंटू dx। ये समझ आया बच्चों, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ एफ एक्स बचेगा और एफ एक्स हमारा क्या बन गया हाँ एफ एक्स इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस दिस। एफ एक्स क्या आ गया 4 इंटू एक्स 4 बाई 4 माइनस 3 इंटू एक्स टू द पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाय माइनस 3 प्लस में 4 सी। एक्स टू द पावर 4 बाई 4, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है 3 से 3 कैंसिल हो गया प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है प्लस में क्या है सी है। राइट इंटीग्रेशन तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। अब ये क्या कह रहे हैं कि एफ टू की वैल्यू आपको 0 दी हुई है, एफ टू इज इक्वल टू 0, तो बच्चों इसमें x के जगह 2 डाल दो, x के जगह क्या डाल दें 2, तो ये हो गया 2 टू द पावर 4 दैट इज 16, 1 अपॉन 2 टू द पावर 3 दैट इज 8,
प्लस में सी, और एफ टू की वैल्यू क्या है, जीरो, जीरो इज इक्वल टू, ये क्या बन गया 129 अपॉन 8 प्लस सी। तो यहां से सो सी माइनस 129 आ गया, सी की वैल्यू माइनस 129 अपॉन 8 आ गई। अर्जुन कह रहा है सर जल्दी से लिखो, खत्म करो, छोड़ दो ना, सी की वैल्यू आ गई माइनस 129 अपॉन 8, क्यों अर्जुन ऐसा ही शायद? देवेश यस सर, ये अर्जुन क्या कह रहे हैं सर? अर्जुन तो सर बहुत टाइम से आया नहीं ना, इसलिए थोड़ा भी अडाप्ट कर रहा है हमारे साथ। ये आएगा बच्चों, सी की वैल्यू डाल देंगे माइनस 129, ठीक है बच्चों, हर बच्चा इस एक्सरसाइज को रिपीट करेगा, ठीक है, हर बच्चे को रिपीट करनी है और रिपीट करके मुझे भेजेंगे। ओके सर, ऑल राइट बच्चों, करके फॉर्मूले याद करना और इसको खत्म करना। तो अगली क्लास में 8-10 और फॉर्मूले आएंगे बच्चों, उससे पहले इसको याद कर लेना, इन फॉर्मूलों को। ओके ठीक है सर, थैंक यू सर, बाय सर, बाय बेटा।